ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद पूरे देश में बयानों का सिलसिला जारी हो गया है। IMSC या इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसलिंग प्रमुख मौलाना तौकीर राजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बना रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वह मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं। सरकार की सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज किसी न किसी मस्जिद मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तौरीक राजा ने कहा कि 2014 से पहले बम फटा करते थे और इल्जाम लगता था कि मुसलमान ने बम मारा है। 2014 के बाद गायब हो गया और यह साबित हो गया कि वह लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद हैं और सत्ता चला रहे हैं। तौकीर राजा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं जाने देंगे। प्रदेश में कितनी मजार है, कितने मस्जिदें हैं जिन पर रातों रात बुलडोजर खामोशी से चला दिया जाता है। मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, तौकीर राजा ने कहा कि न्याय के मंदिर में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए यह तय करते हैं कि शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन गिरफ्तारी देंगे। तब तक यह बेईमानी चलती रहेगी। हिंदुस्तान में आजाद रहने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर से आजादी का आंदोलन दोबारा से शुरू करना है। उस वक्त हमने अपना देश आजाद कराया था, अब हमें नफरत, गुलामी और बेईमानी से आजाद करना है। इसके बाद तौकीर राजा ने कहा कि बाबरी पर सब्र कर लिया है। ज्ञानवापी के बाद बाबरी का जिक्र फिर से होने लगा है। हम बाबरी का जिक्र करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा देश का कानून और अदालत बदनाम होती है। फसाद खत्म होने के डर से तमाम बेईमानी को बर्दाश्त कर लिया है। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत साबित करे कि इंसाफ हो रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाते हुए अदालत को अपना वजूद दिखाना है, ऐसा तौकीर राजा ने कहा है। कैसे कुछ लोग राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाते हुए तौकीर राजा ने कहा कि कैसे कुछ लोग राज्यसभा के मेंबर बन गए और कैसे गवर्नर बन गए। उन्होंने अपना ईमान बेचा है, इसलिए उनको यह इनाम मिला है। अभी जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर इनका जमीर जरा भी जिंदा है तो गवर्नर का ऑफर ठुकरा देते। आप अदालत को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध और पाप नहीं हो सकता है और किसी भी सूरत पे हम ज्ञानवापी को जाने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आत्महत्या करने का प्रावधान हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। जो देश में इन दिनों हो रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तब तक यह गिरफ्तारी चलेगी जब तक देश से यह अन्याय खत्म नहीं होगा। उन्होंने बरेली में कहा कि वह शुक्रवार के दिन गिरफ्तारी देंगे और इसी तरह की गिरफ्तारी देश भर में दी जाएगी और पूरे मुसलमान जेल भर देंगे। और जब तक मुसलमानों के साथ इस देश में नाइंसाफी होगा, तब तक मुसलमान ऐसे ही जेल भरते रहेंगे, क्योंकि इस्लाम में आत्महत्या करने का कोई प्रावधान नहीं है और हमारी धर्म इजाजत नहीं देता है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या भाजपा सरकार वाकई में मस्जिदों को टारगेट कर रही है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।